देखते हुए जहां पर उस संघर्ष की विभीषिका है और प्रधानमंत्री का एक तरीके से हाथ जेलेंस्की साहब के कंधे पे, यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की कंधे पे, और जो भाव चेहरे पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि संघर्ष में किस प्रकार की परेशानी न सिर्फ देश को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति महसूस करता है बल्कि पूरा देश महसूस करता है, तो उस संघर्षरत देश के साथ में खड़े होने का एक जेस्चर के तौर पर भी ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। और ये तमाम दृश्य जो कि प्रधानमंत्री को संभवतः संघर्ष से जुड़े हुए दिखाए जा रहे हैं जी, और ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम बना हुआ है यूक्रेन का, और उस नेशनल म्यूजियम में ही ये मल्टीमीडिया मार्टिरोलॉजिस्ट एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर रूस यूक्रेन संघर्ष में जो बच्चे मारे गए हैं उनको लेकर ये तमाम जानकारी यहाँ दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये जानकारी स्क्रीन के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से ये सबके सामने रखी जाती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा गया है। और ये एक ऐसा अवसर है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संघर्ष का एक सबसे वो पहलू नज़र आ रहा है जो मार्मिक पहलू, जो संवेदनाएँ उत्पन्न करता है, क्योंकि जब भी कहीं युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो उसमें सबसे अधिक खामियाजा इस संघर्ष का महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन संघर्ष में जिन बच्चों की जान चली गई उन्हीं बच्चों की याद में यहाँ पर जो ये मार्टिरोलॉजिस्ट बना हुआ है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मल्टीमीडिया म्यूजियम में ये जानकारी प्राप्त करते हुए। ममता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के भाव को देखिए, मतलब कितनी एक शांत स्तब्ध भाव चेहरे पे नजर आ रहा है जब वो उन बच्चों के, जो मासूम बच्चे हैं, क्योंकि वो किसी भी संघर्ष का हिस्सा हो ही नहीं सकते, वो मासूमियत भरा बचपन वो कैसे संघर्ष की भेंट चढ़ गया वो दिखाता है कि कैसे जब दो वजहें भले ही किसी के पास में हो युद्ध में जाने के लिए, लेकिन उन मासूमों का क्या कसूर है जिन्होंने संघर्ष में अपनी जान खोई है। तो ऐसे बच्चों के जान जाने का को लेकर जो ये पूरा मेमोरियल बनाया गया, ये अपने आप में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो भावुक कर देने वाला पल, एक मार्मिक दृश्य भी कहा जा सकता है। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। अमृतपाल, इस मेमोरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए, और निश्चित तौर से क्योंकि संघर्ष के बाद से जो स्थितियां हुई हैं, खास करके जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे संघर्ष में, उसको लेकर विस्तार से जानकारियां यहाँ सहेजी गई हैं। अमृत, देखिए, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लोग शहीद हुए थे या जो उसमें लोग विक्टिम्स थे, उनका एक म्यूजियम है वहां पर कीव में, और उसके अंदर एक सेक्शन खोला गया था जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, उन्होंने जब इसको वहां पे बच्चे जो मारे गए थे उनको उनकी मेमोरी में एसेंशली जो जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे वॉर का एक वो डैमेज है, वो कोलैटरल डैमेज एक बहुत सुपरफिशियल वर्ड लगता है या एक फ्रेज लगता है, क्योंकि बच्चे बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती युद्ध में, डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की, और दुनिया बच्चों को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है, पर इसका जो समथिंग विच इज नॉट ऑफ देयर ओन मेकिंग उसका खामियाजा इनोसेंट बच्चे भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का यहाँ जाना राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक संकेत है, जो प्रधानमंत्री कल पोलैंड की धरती से भी कह रहे थे डोनाल्ड टस्क को मिलने के बाद पोलिश प्रधानमंत्री के, जो इनोसेंट सबसे क्रिटिकल कंसर्न इस वक्त ये है कि जो इनोसेंट लाइव्स का लॉस हो रहा है, जिसमें बच्चे खास करके बिल्कुल ही मासूम हैं, जिनका कोई रोल ही नहीं है, दुनिया को उस पहलू से भी इसको देखना होगा और इस युद्ध को देखना होगा, और इस युद्ध के जो परिणाम है, भयानक परिणाम है, उनको देखना होगा, और इस नीड को रियलाइज करना होगा कि कितना अहम है इस युद्ध को एकदम खत्म करने के लिए, खत्म करना, और एक लास्टिंग पीस लाना, एक जस्ट सोल्यूशन लाना, वो सब बातें ठीक हैं, पर सबसे क्रिटिकल इस वक्त वो है कि जो मासूम लोग, जो मासूम बच्चे इसका इस क्रॉस फायर में फंस कर मर रहे हैं, उसके लिए उस पहलू के लिए अगर और कुछ आप बाकी सब साइड पर रख दें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सब वो दोनों साइड्स के अपने वर्जन्स हैं, पर इस